दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे 3 सितंबर 2021 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम की राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा सुबह 10:18 पर प्रातःकाल राशि परिवर्तन करेगा और मिथुन से निकल करके कर्क राशि में अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और ये गुरु का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति आज के लिए निर्मित करेंगे चंद्रदेव, आइए जानते हैं। दोस्तों बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं राशियों क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो अगर आप सिंगल हैं तो आज आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको महसूस होने वाला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और उस बात को शेयर करने के लिए आपके पास में कोई नहीं होगा। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या कोई व्यक्ति आपको पसंद है तो आज के दिन प्रपोज मत कीजिएगा, क्योंकि आज का दिन प्रपोज करने के लिए अच्छा नहीं है। आपके जो भी व्यक्ति हैं जिन्हें आप प्रपोज करते हैं या डेट पर ले जाते हैं वो आपके साथ में झगड़ा कर बैठेंगे, आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर कमियां निकाल देंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। लव लाइफ में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट में हैं आप, तो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति बन रही है कि आप बहुत ज़्यादा आज उदास महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहेंगे। आज आपकी लव लाइफ में भी आपके पार्टनर आपकी केयर नहीं करेंगे, आपकी कद्र नहीं करेंगे, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे, आपके प्यार का सम्मान नहीं करेंगे। आप जितना भी उनके लिए कर लें उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक तरह से वो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा आज कि कहीं से उनके मन में कोई फीलिंग है ही नहीं आपके लिए। आप तो खामखा उनके लिए सब कुछ करते रहते, खामखा परेशान होते रहते हैं, वो तो छोटी छोटी बातों पर आपका दिल दुखा कर चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी बातें आज आपके माइंड में आएंगी। बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में खास करके आपके ससुराल पक्ष वालों की तरफ से परेशानी हो सकती है, आपके पेरेंट्स की तरफ से भी कोई परेशानी हो सकती है, कुछ रिश्तेदारों की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, जिससे खास करके आपके हस्बैंड या वाइफ की माताजी के द्वारा कुछ परेशानी हो सकती है, जिससे आपकी मैरिड लाइफ आज एक दूसरे के संबंध खराब हो जाएं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ऐसी स्थिति जिसमें आप कभी जाना नहीं चाहते थे या जिसकी स्थिति को आप कभी सोचते भी नहीं थे, उस स्थिति में पहुंच जाएं। डायवोर्स की बातें होने लगें या डायवोर्स की बातें चल रही हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाए, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाए, ऐसी स्थिति बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज देखा जाए तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आज कोई नया साथी अगर मिलता है या नया अफेयर शुरू होता है तो वहाँ पर वो व्यक्ति लॉयल नहीं होगा, वो आपको धोखा देगा। दूसरा, विश्वास पात्र तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पूरा फ्रॉड होगा। और आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी सबसे ज़्यादा विश्वासघात होने के चांस बनते हैं, इसलिए ज़्यादा विश्वास करके कुछ गलत निर्णय मत लेना। चलिए बात करते हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए देखा जाए अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थिति बन रही है कि आप किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं, नया दोस्त भी बना सकते हैं, किसी के साथ डेट पर भी जा सकते हैं, आज किसी बड़ी कंफ्यूजन से निकल सकते हैं और लव लाइफ में पहले जैसी खुशियां लौट कर आएंगी। आपका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप होने की स्थिति बन जाएगी। कुछ स्थितियों में तो आज आप लव मैरिज को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, लव मैरिज को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। आज अगर शादी को लेकर के कोई भी सीरियस बात करते हैं अपने पेरेंट्स से तो निश्चित रूप से वो आपका सम्मान करेंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और आपकी बात मानेंगे। मैरिड लाइफ में आज सिचुएशन काफ़ी अच्छी होंगी, खास करके ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक से बात करेंगे, बहुत अच्छा आपको कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखाएंगे, बात बात पर आपको एक विश्वास, आपको उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाए, ऐसी बातें करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनने वाली हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। और सबसे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका रिलेशन
किसी नज़दीकी व्यक्ति से है, बहुत नज़दीक है आपके घर से, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर रिलेशन आपका है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, ऐसी स्थिति बन रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। लव लाइफ में काफ़ी अच्छी स्थितियाँ होंगी, आज कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से उभर पाएंगे। बहुत ज़्यादा आपके लिए स्थिति बनेगी कि आज बातचीत हो जाए या सीधी मुलाकात हो जाए। आज थोड़ा सा दोपहर के टाइम पर गुस्सा भी होंगे, लेकिन वो गुस्सा प्यार झलकेगा उस गुस्से में भी। मैरिड लाइफ में स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी। मैरिड लाइफ की सिचुएशन जो आपके हाथ से निकलती जा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, वो परेशानियाँ दूर होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके बहुत ज़्यादा चीज़ों में सुधार आएगा, और सबसे ज़्यादा जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें सुधार आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो सिंगल हैं, किसी को प्रपोज ना करें, डेट पर ले जाना सही नहीं है। आज बहुत ज़्यादा आपके लिए लव मैरिज के लेकर बातचीत ना करें, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाएंगी और अच्छी खासी लव लाइफ आप बिगाड़ लेंगे शादी को लेकर के। अगर ज़्यादा सीरियस बातें करने लगते हैं तो आज ज़्यादा फिजिकल रिलेशन की बातें ना करें अपने पार्टनर से, वहाँ से भी दिक्कत हो जाएगी आपको। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर बनी हुई है तो ज़्यादा बातचीत करने का भी मन ना करें, थोड़ा अकेला रहने की कोशिश करें, वही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर बातचीत के लिए ज़्यादा आप कोशिश करते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका स्वाभिमान चला जाएगा। आज आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करेगा पार्टनर, खास करके मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपकी फैमिली की बातों में कुछ, आपकी फैमिली को लेकर कुछ ऐसी बातें बोलें, आपको टॉर्चर करें, कुछ ऐसी बातें आपकी फैमिली का अपमान करें, आपका अपमान करें, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसा बोलें जिससे आप सुन करके दंग रह जाएं, ऐसी चीज़ें भी बनेंगी। बहुत विशेष आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है, समय व्यतीत करेंगे एक दूसरे के साथ में और काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा कि किसी के साथ डेट पर ना जाएं और ख़ास करके किसी को प्रपोज ना करें। अगर आज किसी के साथ डेट पर जाते हैं तो वहाँ पर झगड़े हो जाएंगे और आपकी सरेआम बेइज्जती हो सकती है। लव लाइफ में स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी, खास करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर बना हुआ है तो कॉन्टैक्ट होगा लेकिन बहस हो सकती है। मैरिड लाइफ में आज कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपके दोनों के संबंध खराब कर देगी और हो सकता है कि आपको डाइवोर्स इत्यादि के लिए भी बहुत ज़्यादा झकझोर दे थर्ड पार्टी, तो ऐसी स्थिति भी बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फिर भी ठीक रहेगा, यहाँ पर अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों सिंगल हैं तो आज प्रपोज कर सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं, आज बहुत अच्छी स्थिति बन रही, कोई गिफ्ट उपहार मिल सकता है पार्टनर के द्वारा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी अच्छी होगी, मैरिड लाइफ की स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। मैरिड लाइफ में खास करके आपके पार्टनर आपकी कद्र करेंगे, केयर करेंगे और आज आपको समझने की कोशिश करेंगे। किसी बड़ी जिम्मेदारी को भी सौंप सकते हैं, उस जिम्मेदारी को भी बहुत बखूबी आप निभाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थोड़ी सी स्थितियाँ खराब रहेंगी, यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि कोई झगड़ा बड़ा हो जाए या छोटी छोटी बातों को लेकर के पार्टनर आपको टॉर्चर करें, ऐसी स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी को प्रपोज मत कीजिएगा, आज आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे, आज डेट पर जाना शुभ नहीं है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन सकती है। आज बातचीत बंद हो जाए या बहुत देर तक बात ना हो या बहुत कम बात हो, ऐसी स्थिति भी लगेगी। आज वो आपको इग्नोर करते हुए नजर आएंगे। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स के चक्कर में आपका अपमान कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, आपकी कद्र नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें भी होंगी। और सबसे ज़्यादा आप इस बात से दुखी हो जाएंगी कि आपने जिस व्यक्ति के लिए क्या क्या नहीं किया, उस व्यक्ति ने आपके साथ में क्या कर दिया, कुछ ऐसा कर देगा जिससे आपका दिल और दिमाग खिल जाएगा, कुछ आँखें खुल जाएंगी। खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस बात का ध्यान रखना, कोई नई शुरुआत मत करना आज के दिन, इस बात का ध्यान रखना। और ख़ास करके इमोशनल अटैचमेंट के साथ में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना चाहते हैं किसी के साथ, भावुक होकर के, इमोशनल होकर के, तो आज बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो बुरे पछताएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं
तो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी हैं, आज कोई प्रपोज कर सकता है, अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। लव लाइफ में आज आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आज काफ़ी हंसी मजाक होगा और स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आएंगे। आज हो सकता है कि मैरिड लाइफ में थोड़े से झगड़े हो जाएं, लेकिन स्थितियाँ फिर भी शाम होते होते अच्छी हो जाएंगी। और ख़ास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर बहुत दिनों से बातचीत बंद है तो आज शुरू हो सकती है, आज बातचीत फिर से स्टार्ट हो सकती है। खास करके कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं या आपकी कोई आर्थिक मदद कर सकते हैं, ये भी स्थिति बनेगी। लेकिन कोई थर्ड पार्टी अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उस थर्ड पार्टी को आप इग्नोर कीजिए, उस थर्ड पार्टी को छोड़ दीजिए। भले ही वो थर्ड पार्टी आपके लिए कोई किसी प्रकार से कुछ अच्छा कर रही है, तब भी उसे छोड़ दें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी को प्रपोज ना करें, डेट पर ना जाएं, क्योंकि आज अगर किसी को प्रपोज करते हैं या कोई व्यक्ति आपको प्रपोज करता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो व्यक्ति आपको 4-10 दिन में ही धोखा दे देगा। और सबसे ज़्यादा स्थिति बन रही है कि आप बहुत ज़्यादा आज इमोशनल हो जाएंगे। लव लाइफ में आज इमोशनल होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखेगा, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, और पार्टनर कुछ बातें छिपा लेगा, कुछ झूठ बोलेगा, उससे भी गुस्सा आएगा। मैरिड लाइफ में कोई पार्टनर का बड़ा झूठ आप पकड़ सकते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज पार्टनर बहुत ज़्यादा आप पर शक करने वाले हैं, या मुलाकात करेंगे तो वहाँ पर भी झगड़ने वाले हैं, ये स्थिति बन रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज आप बहुत ज़्यादा अधूरेपन की स्थिति में आएंगे, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होगा आपको। और लव लाइफ में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपको नो कॉन्टैक्ट में रहने के लिए ही मन करेगा, बार बार याद आएगी उनकी, लेकिन मन एक मन ये भी कहेगा कि रहने दो, अब उससे बात बंद कर दें, वही अच्छा रहेगा। लव लाइफ में सबसे ज़्यादा स्थिति आज ये होगी कि बार बार मन करेगा कि छोड़ दें इसे, छोड़ने में ही अच्छाई है, क्योंकि ये व्यक्ति हमारे लायक नहीं है, इसके साथ में हमारा कोई फ्यूचर नहीं, ऐसी बातें मन में आने लगेंगी। जिस व्यक्ति के साथ में शादी की कस्में खा रहे थे, आज उसी व्यक्ति से विश्वास उठ जाएगा, उस व्यक्ति पर गुस्सा आने लगेगा, उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा घृणा हो जाएगी, ऐसी स्थिति बनेगी। मैरिड लाइफ में आज कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई बहस वाली स्थिति बन सकती है, बहस इत्यादि हो सकती है, और ख़ास करके मुलाकात ना करें आज के दिन, ये स्थिति बनी रहेगी। और ख़ास करके अगर विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर मुलाकात ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज डेट पर ना जाएं, आज किसी थर्ड पार्टी के चपेट में आपकी लव लाइफ बर्बाद हो सकती है, आज बहुत ज़्यादा बहस होगी। मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका डाइवोर्स हो सकता है, डाइवोर्स के लिए कुछ विवाद हो सकता है, डाइवोर्स की बातें होने लगें घर में कलह जैसा माहौल बन जाए, वो भी स्थिति है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आपके पार्टनर फिजिकल बातें ज़्यादा करेंगे और फिजिकल रिलेशन के लिए ज़्यादा बात करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन बातों से आपको थोड़ा सा दुख तकलीफ होगी, आपको थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पार्टनर पर विश्वास भी नहीं बन पाएगा एक्स्ट्रा अफेयर में, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी भी हद तक जाएंगे, एक अच्छा व्यक्ति आपको मिलने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो आपकी केयर करे, जो आपको पागलपन की हद तक प्यार करे, सच्चा प्यार करे, वो स्थिति आज बन रही है। आज के दिन बहुत इमोशनल व्यक्ति आपको मिलने वाला है, दिल से चाहने वाला, लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, दिल से चाहेगा पार्टनर, काफ़ी केयर करेगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। आज आपको मैरिड लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना है कि मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पार्टनर को ब्लैकमेल किया जा सकता है, जिससे वो आपके साथ में गलत व्यवहार कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी और का गुस्सा निकाल सकते हैं। अपने पार्टनर को समझिएगा, उसे समझाइएगा और आराम से दिन बिताइएगा। बहुत ज़्यादा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर इग्नोर करें तो आप भी इग्नोर कीजिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो आपको टाइम ना दें तो आप भी मत दीजिएगा, क्योंकि इससे ही उनकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के बार बार उनके पीछे पड़ेंगे तो आप फिर परेशान हो जाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार।